जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम अनंतम वासुकीम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालाय च कर्कोटकम तक्षकम च कालिये। ये नव नाग स्त्रोत है। नागपंचमी आने वाली है। नागपंचमी पर हमारे द्वारा पहले भी दो वीडियो बनाए जा चुके हैं कि नागपंचमी पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से नागपंचमी के ऊपर एक और जानकारी हम आपको देने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके परिवार में यदि कोई कालसर्प दोष की पूजा हो, किसी को कालसर्प दोष हो, किसी को नाग दोष हो, किसी को सर्प दोष हो, जिसकी वजह से जीवन में परेशानी आ रही है, तो आप इन तीनों वीडियो को अवश्य सुनेंगे और उसके हिसाब से यह नागपंचमी अवश्य मनाएंगे ताकि आपके दोषों का समन हो सके। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है कि हम नागपंचमी पर क्या करें क्या ना करें। नागपंचमी पर जो नियम है वो नियम कानून का यदि आपने पालन कर लिया, जो हमारे परंपरागत रीति रिवाज मान्यता प्रथा के लीजिए उनका यदि आपने पालन कर लिया, तो भी आपके दोष काफी हद तक कम हो सकते हैं। परंतु आजकल की भागदौड़ जिंदगी में मनुष्य के पास समय नहीं होता है, तो कहता मैं नियम का पालन कैसे करूं। परंतु आपको नियम का पालन करना है, छुट्टी लेना है उस दिन। यदि आपको पितृ दोष है, यदि आपको कालसर्प दोष है, या परिवार में किसी सदस्य को हो, यानी बच्चे पैदा नहीं हो रहे हो, लड़का उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो मान करके चलो नाग दोष है, सर्प दोष है, जिसकी वजह से बच्चे उत्पन्न नहीं होते हैं, पूजा अवश्य कराइए, विधि विधान से पूजा कराइए। एक पूजा नाग महाराज की जो पूजा होती है, कम से कम उसमें 2.5 घंटे कम से कम लगेगा, अन्यथा 3 घंटे लगेंगे। और यदि इससे कम पे कोई पूजा कराता हो नागपंचमी के दिन, तो मान के चलना उसने बहुत सारी पूजा काट दी, यानी शॉर्टकट में उसने पूजा करा दी है। क्योंकि पूजा करते हैं तो पूजा करने का कुछ विधान है, अष्ट नाग रखे जाते हैं, नव नाग रखे जाते हैं, उन सबका आह्वान किया जाता है, उन सबके सामने षोड़श उपचार पूजा कर की जाती है, उसके बाद उनके स्त्रोत का पाठ किया जाता है, रुद्री पाठ सुनाया जाता है, उसके बाद आरती वगैरह होती है, तो कम से कम 2 से 2.5 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। यदि इससे कम पे यदि कोई पूजा करा दे, तो मान के चलना पूजा अधूरी हुई है। तो आप किसी अच्छे जानकार शास्त्री पंडित जी जो अनुभवी हो इस काम के, उनको पकड़िएगा। जिसको ज्ञान नहीं है उनको मत पकड़िएगा, अन्यथा वो अधूरे श्लोक बोलेंगे, गलत श्लोक बोलेंगे और आपकी पूजा असफल हो जाएगी। तो मेरे पहले जो 2 वीडियो डाले जा चुके उनको अवश्य सुने, ताकि उसके अंदर से भी आपको ज्ञान प्राप्त होगा कि पूजा कैसे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उस दिन। और पूजा आपकी बेकार क्यों हो जाएगी यदि आपने वो काम कर लिया, तो ये सब हम पहले बता चुके हैं। अब नाग पंचमी पर नाग पूजा से पहले मनसा देवी की पूजा करना चाहिए। मनसा देवी का जगत प्रसिद्ध और चमत्कारिक मंदिर हरिद्वार में गंगा किनारे हर की पौड़ी के ऊपर पहाड़ी पर स्थित है। यह पहाड़ी काफी ऊंची है, यहां पर पैदल भी जा सकते हो और यहां पर ट्राम के द्वारा भी पहुंचा जा सकता है। मनसा देवी के बारे में तरह तरह की अलग अलग बातें हैं हमारे शास्त्र में। हमने कोशिश की है आपको अच्छे से अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करें। ऐसा कहा जाता है कि ऋषि कश्यप की पुत्री थी मनसा देवी। कई पुरातन धार्मिक ग्रंथों में इनका जन्म ऋषि कश्यप के मस्तक से हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है हमारे शास्त्र पुराणों में बहुत से भगवान का जन्म, देवियों का जन्म अलग अलग प्रकार से हुआ है। गर्भ से उत्पत्ति नहीं होती थी।
हमारे यहां मंत्रोच्चारण से भगवान उत्पन्न होते हैं, मंत्रोच्चारण से बच्चे पैदा होते थे पहले। तो ऐसे ही मनसा देवी जो है, इनका जन्म भी ऋषि कश्यप के मस्तक से हुआ। पहले मनुष्य जो उत्पन्न होते थे वो अंडे से भी उत्पन्न होते थे, ऐसा भी शास्त्र कहता है। जैसे गांधारी के 100 पुत्र उत्पन्न हुए तो वह अंडे से ही उत्पन्न हुए हैं, और जो 5 पांडव उत्पन्न हुए वो मंत्रों से उत्पन्न हुए हैं। तो ये जो काल रहा है महाभारत काल में, द्रौपदी स्वयं जो है अग्नि से उत्पन्न हुई है। अब आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि भारत में कितनी ज्यादा शक्तिशाली तंत्र विद्या थी कि अग्नि होम से ऐसी शक्तियां उत्पन्न होती थी, अग्नि में से निकलती थी। तो उसमें कितना तेज होगा, कितना प्रखर होगा, उस स्त्री द्रौपदी को भी कष्ट सहन करना पड़ा। यानी 12 वर्ष का वनवास रहना पड़ा, 5-5 पतियों के साथ दिन गुजारना पड़े, और उसे भी कई तरीके की यातनाएं सहन करना पड़ी। तो फिर आप और हम तो मनुष्य हैं, कष्ट तो आएंगे। जीवन में आए हो, मनुष्य बने हो, तो कष्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हम चल रहे थे आपके कि ऋषि कश्यप की पुत्री है मनसा देवी, धार्मिक ग्रंथों में इनका जन्म ऋषि कश्यप के मस्तक से हुआ है, इसलिए इन्हें मनसा कहा जाता है। कुछ लोग इसे शिव की पुत्री भी बोलते हैं। हाँ, ये अवश्य है कि शिव से उन्होंने दीक्षा अवश्य ग्रहण की है, और इस संबंध में जो कथाएं हैं वो कई बार दोषपूर्ण कथाएं भी हैं। पुराने जमाने में कुछ कथाएं ऐसी लिखी जा चुकी है, ऋषि मुनि लिख करके गए हैं, किसी ने अपने अनुभव लिख करके कथाएं बना दी, तो उन कथाओं के आधार पर इनकी अलग अलग प्रकार की अलग अलग कथाएं भी मिलती है। पर आपको इतना ज्ञान नहीं रखना है, आपको तो सिर्फ ये कि नाग पंचमी की पूजा के पहले नागों की माता कही जाती है मनसा देवी, उनकी पूजा करना चाहिए। तो ऋषि कश्यप की पुत्री है जो कि मस्तक से उत्पन्न हुई है, इसलिए मनसा कहा जाता है। ओम ऐं ब्रीं सिं मनसा देवी स्वाहा, ये इनका मंत्र है। इस मंत्र से 108 आहुति भी देना चाहिए नाग पंचमी के दिन, और यदि कोई मनुष्य नागों से ज्यादा त्रस्त हो तो मनसा देवी का नाम ले, मनसा देवी का जप करें नाग दिन, नाग पंचमी के दिन। और मनसा देवी के पति कौन? मनसा देवी के पति का नाम अधिकतर जगहों पर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है जरत्कारु, और उनके पुत्र का नाम है आस्तिक, जिन्होंने अपनी माता की कृपा से सर्पों को जनमेजय के यज्ञ से बचाया था, और बहुत सी जगह वासुकी नाग को उनका भाई बताया गया है। अतः मनसा की वासुकी आस्तिक ने ही वासुकी को सर्प यज्ञ से बचाया। तो इस प्रकार से जरत्कारु मनसा देवी के पति हैं, और उनके पुत्र आस्तिक मुनि हैं जिन्होंने नागों की रक्षा की। अब मनसा देवी ने भी कठोर तप किया। जब तक कठोर तप नहीं करोगे आप कुंदन के माफिक चमकोगे नहीं, इसके साधना में कठोर तप करना पड़ता है। कहते हैं मनसा देवी ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या करके वेदों का ज्ञान और श्री कृष्ण से मंत्र प्राप्त किया था जो कल्पतरु मंत्र कहलाता है। इसके बाद उन्होंने राजस्थान के पुष्कर में पुनः तप किया और श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त किए थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि तीनों लोकों में तुम्हारी पूजा होगी, इसलिए आज भी मनसा देवी के नाम से पूजा होती है। मनसा देवी की पूजा बंगाल में गंगा दशहरे के दिन होती है,
जबकि कहीं कहीं पर कृष्ण पक्ष की पंचमी को भी इनकी पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार पंचमी के दिन घर के आंगन में नागफनी की शाखा पर मनसा देवी की पूजा करने से विष का भय नहीं रहता है। मनसा देवी की पूजा के बाद में ही नाग पूजा की जाती है। एक जड़ी बूटी आती है नागफनी, जो लंबे लंबे बहुत बड़े बड़े पेड़ों पर लगती है, पहले उसकी पूजा की जाती है, फिर मनसा देवी की पूजा करना चाहिए। मनसा देवी की पूजा के बाद में नाग देवताओं की पूजा करना चाहिए। मनसा देवी का स्वरूप क्या है? मनसा देवी को सर्प और कमल पर विराजित दिखाया जाता है फोटो में, कुछ कुछ जगहों पर हंस पर भी विराजमान दिखाया जाता है, और कहते हैं कि सात नाग उनके रक्षण में सदैव विद्यमान रहते हैं और उनकी गोद में उनका पुत्र आस्तिक विराजमान रहता है। हरिद्वार में इनका मंदिर है, जो कि एक शक्तिपीठ भी है। उसके बाद में हरिद्वार में एक चंडी देवी का मंदिर भी है और एक है दक्षेश्वर स्थान, जहां पार्वती मां रहती है। यहीं पर सती योग अग्नि में भस्म हुई थी। और तीसरा पर्वत है वहां पर बिल्व पर्वत वासिनी मनसा देवी विराजमान है। यानी हरिद्वार में चंडी देवी है, माया देवी है और मनसा देवी है। ये तीनों सिद्ध पीठ हैं। मनसा देवी का स्थान जहां पर है वहां पर कहा जाता है कि मां सती का मन गिरा था, इसलिए यह स्थान मनसा नाम से भी प्रसिद्ध है। तो जब भी आप हरिद्वार जाएं तो तीन देवी शक्तियों का शिव शक्ति पीठ है, उनके दर्शन करना ना भूलें। और नागों की पूजा के पहले मनसा माता की पूजा अवश्य करें। उनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं मनसा देवी नमः। और दूसरा मंत्र भी है, उनके 12 नाम भी हैं, सर्वत्र विजयी जगत जरत कारु जगत गोरी मनसा सिद्ध योगिनी वैष्णवी नाग भागिनी शेवी नागेश्वरी तथा जरत्कारु प्रिया आस्तिक माता विश्वहरती च महाज्ञान युता चेव सा देवी विश्व पूजिता। ये 12 नाम है मां मनसा के। यदि कोई मनुष्य इन 12 नामों का इस मंत्र को रोजाना पूजा काल के समय पे पढ़ता है तो उसे नाग भय नहीं रहता है और उसका वंश की वृद्धि होती है। ऐसा ये मंत्र जो है ब्रह्म वेतर्त पुराण में लिखा हुआ है। यानी आपको ये मंत्र पहले 11 बार 21 बार 27 बार या एक माला नाग पंचमी की पूजा करने के पहले इस मंत्र का जप कर ले तो आपकी पूजा अवश्य सफल होगी। मां मनसा देवी के 12 नाम, जरत्कारु जगत गौरी मनसा सिद्ध योगिनी वैष्णवी नाग भागिनी शेवी नागेश्वरी तथा जरत्कारु प्रिया आस्तिक माता विश्वहरीति च महाज्ञान युता चेव सा देवी विश्व पूजिता। इस प्रकार से 12 नाम है। इसका अर्थ जो निकाला जाता है कि ये भगवती कश्यप जी की मानसी कन्या है तथा मन से उद्दीप्त होती है, इसलिए इन्हें मनसा देवी नाम से पुकारा जाता है। आत्मा में रमण करने वाली इन सिद्ध योगिनी वैष्णवी ने तीन गुणों तीन युगों तक ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की है। गोपीपति परम प्रभु उन परमेश्वर ने इनके वस्त्र और शरीर को जीर्ण देकर इनका चरत्कारु नाम रख दिया। साथ ही उन कृपा निधि ने कृपा पूर्वक इनकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण कर दी। इनकी पूजा का प्रचार प्रसार किया और स्वयं भी इनकी पूजा की। स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, भूमंडल में और पाताल में सर्वत्र इनकी पूजा प्रचलित हुई। संपूर्ण जगत में अत्यधिक गौर वर्ण सुंदरी और मनोहारिणी है, अतः ये साध्वी देवी जगत गौरी के नाम से विख्यात है और सम्मान भी पाती है।
भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त करने के कारण ये शेवी कहलाती है और भगवान विष्णु की अनन्य उपासिका है। अतः लोग इन्हें वैष्णवी भी कहते हैं। राजा जनमेजय के यज्ञ में इन्हीं के प्रयत्न से नागों के प्राणों की रक्षा हुई थी, अतः इनका नाम नागेश्वरी और नाग भगिनी भी पड़ गया। विष का सहार करने पर परम समर्थ होने से इनका एक नाम विषहरी भी है। इन्हें भगवान शंकर से योग सिद्धि भी प्राप्त हुई थी, अतः सिद्ध योगिनी भी कहलाती है। इन्होंने शंकर से महान गोपनीय ज्ञान एवं मृत संजीवनी नामक उत्तम विद्या भी प्राप्त की है। इस कारण विद्वान पुरुष इन्हें महाज्ञान युता भी कहते हैं। ये परम तपस्विनी देवी मुनिवर आस्तिक की माता है। अतः ये देवी जगत में सुप्रतिष्ठित होकर आस्तिक माता के नाम से भी विख्यात हुई है। जगत पूज्य योगी महात्मा मुनिवर जरत्कारु की प्यारी पत्नी होने के कारण ये जरत्कारु प्रिया नाम से भी विख्यात हुई। इस प्रकार से ये नागों की माता है मनसा देवी, और इनकी पूजा करने से जिनको नागों से सर्प होता है, नागों से सर्पों से डर लगता है, काटने का डर होता है, या जिनके भाग्य में नाग से मृत्यु लिखी हुई है, उन्हें इनकी पूजन अर्चन करना चाहिए, उन्हें इन माता जी को इष्ट बनाना चाहिए और नाग पंचमी के दिन इनकी पूजा अवश्य करें। मंत्र हमने आपको बता दिया है। पूजा का विधान षोड़श उपचार पंचोपचार पूजा होती है। देवी जी की पूजा करना है, कलश की स्थापना अवश्य करें, घी का दीपक प्रज्वलित करना है और फिर इनकी पूजा अर्चन करें। हल्दी, रोली, अबीर, गुलाल, कुमकुम, अक्षत, चावल, फूल, माला, प्रसाद, मिठाई, पान का बीड़ा, लौंग, इलायची और दक्षिणा सहित और एक ऋतु फल अवश्य दें। जय माँ कामाख्या, जय माँ मनसा देवी। कुछ लोग मनसा देवी को बलि भी चढ़ाते हैं। बिहार के कुछ भाग में, पश्चिम बंगाल के कुछ भाग में और आसाम में माँ कामाख्या मंदिर के अंदर मनसा माँ की एक मंदिर भी है। जब इनकी पूजन अर्चन होती है नाग पंचमी के दिन, जिसको देव ध्वनि भी कहा जाता है, उस समय पे इनको बलि भी चढ़ाई जाती है। और एक बड़ा उत्सव माँ कामाख्या मंदिर में होता है और वो उत्सव देखने लायक होता है। यदि किसी को मौका मिले अपनी जिंदगी में तो नाग पंचमी के दिन अवश्य कामाख्या मंदिर जाएं और वहां पे माँ कामाख्या मंदिर के दर्शन के साथ साथ मनसा माता के दर्शन भी करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्या वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मिणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भागल्याणम दाकनक जंबगदाम्बुशाम उतुंग बिनकुचुकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्यास्नानेभ्य एव सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यां देहि नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ओम।
या जल जल प्रज्जल अग्नि रूपाय ओम हौम रीम श्रीम ज्वाला देवी नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर्ग जोखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वंतमीश्वरी देवी चराचरस्य शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी कामाख्या काम बीज स्थिता काम पिट निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमत्तस्य 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 नमो नमः। पापापहाणीं देवीं मुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनंतां विद्यां शुद्धां शरणां शिवदां शिवां। ओम हौं जुं सह ओं भूर्भुवस्वः ओं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुक्मि वंदनान मत्योर्मुक्षीमामृतात्। माँ भगवती जगज्जननी आदिशक्ति भवानी ओ परम पिता परमात्मा, आपके कष्ट हरे, दुख हरे, पाप हरे, ताप हरे, संताप हरे, दारिद्र हरे, संकट हरे और आपको सुख समृद्धि शांति प्रदान करें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।